हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और आज हम आपके लिए जो है ना लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट, और वो भी आपको प्राइम लोकेशन पे जगतपुरा की सिद्धार्थ नगर डी ब्लॉक में जो है इसकी लोकेशन होने वाली है, नियर एयरपोर्ट जगतपुरा में आपको जो है ये फ्लैट मिलता है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस एरिया है, 1600 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया होने वाला है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक नहीं दो दो कार पार्किंग आपको यहाँ पे मिलती है, दो वॉशरूम और 3 बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल है, और साथ ही साथ जो प्राइस है, प्राइस भैया वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है, और जिससे कि आप हमारे साथ में लेट जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, और आप करिए इसका क्विक टूर, और मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं इस फ्लैट का डेप टूर। और अगर हम बात करें हमारे रोड की, 30 फीट का रोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो 12 फ्लैट की सोसाइटी आपको यहाँ पे मिल रही है। अब हम चलते हैं हमारी पार्किंग की तरफ। तो पार्किंग की अगर हम बात करें तो पार्किंग में जो है गार्ड रूम दे रखे हैं, और काफ़ी बड़ी सारी पार्किंग आपको यहाँ पर मिलती है। हर एक फ्लैट के लिए आपको 2 पार्किंग दी गई है, और लिफ्ट और स्टेयर्स भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको लिफ्ट दे रखी है और स्टेयर्स मिल जाती हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ और बात करते हैं किस तरह का फ्लैट जो है दिखता है अंदर से। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं फ्लैट में, और अब हम कर लेते हैं फ्लैट का डेप टूर। जैसे हम अगर फ्लैट में एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मिल जाता है लिविंग एरिया, वॉलपेपर आपको यहाँ पर मिल जाता है, L-shaped सोफ़ा मिल रहा है यहाँ पे आपको। और अगर हम सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो सीलिंग की डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, बहुत ही बढ़िया और एलिगेंट। LED के लिए जो है वुडन पैनल आपको मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग जो है आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है यहाँ पे, और एक कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि जो आपके विजिटर्स हैं वो जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। और वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है, आप देखेंगे कि पूरा क्रॉस वेंटिलेट हो रहा है पीछे से और उधर सामने से, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया मिलेगा आपको। डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन आपको दे रखा है। और यहाँ पे मिल जाती है आपको ओपन मॉड्यूलर किचन, और हर तरह के रैक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रेनाइट स्लैब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, किचन के लिए कटआउट मिल जाता है आपको वेंटिलेशन के लिए। सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और अगर हम फिटिंग की बात करें तो जगुआर ब्रांड की फिटिंग जो है आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि एक अच्छा ब्रांड है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है, और आप बेडरूम की जो डिटेल्स हैं, आप इंटीरियर जो है आप देख सकते हैं कुछ तरीके से है। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख पाएंगे, फ्लोरिंग का जो है आपको वही सेम टाइल फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए आपको बालकनी से जुड़ी हुई विंडो आपको यहाँ पर दे रखी है, जहाँ पे आप अपना कूलर प्लेस कर सकते हैं। और वार्डरोब की बात करें तो काफ़ी अच्छी साइज़ में जो है आपको वार्डरोब यहाँ पे दे रखी है, फुल साइज में आपको वार्डरोब यहाँ पे मिल जाती है वुडन के अंदर। और यहाँ पे अटैच मिलता है आपको वॉशरूम, वॉशरूम आप देख पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ।
सेकंड बेडरूम की अगर हम बात करें तो कुछ तरीके से जो है आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है यहाँ पे। वॉलपेपर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है और वार्डरोब्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, वुडन वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ जो है आपको यहाँ पे बालकनी यहाँ पे दी हुई है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ और यहाँ पे जो है आपको फ्रंट के अंदर जो है बालकनी मिल जाती है। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि फ्लैट जो है फ्रंट का या फिर बैक का नहीं है, आपको आगे और पीछे दोनों तरफ बालकनी मिलने वाली है। तो जैसे आप बालकनी में एंटर करते हैं तो काफ़ी अच्छी साइज़ में आपको जो है बालकनी मिल जाती है। वाटर टैप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पावर सॉकेट ऑप्शन मिल जाते हैं। सीलिंग की डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल और बेसिक है और आसपास की लोकेलिटी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बसावट है, काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। और अगर हम बेडरूम की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इंटीरियर मिल जाता है और सीलिंग की डिज़ाइन टाइल फ्लोरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है वुडन स्टाइल के अंदर। और यहाँ पे जो है आपको अपना वार्डरोब आपको यहाँ पे दिए गए हैं काफ़ी सारे और यहीं से जो है आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके वॉशरूम का, जो कि कॉमन वॉशरूम हमने आगे डिस्कस किया था। तो भैया ये थी इस पूरी फ्लैट की डिटेल्स और जो प्राइस जिसको हमने सरप्राइज रख रखा था। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो फुली फर्निश्ड फ्लैट की जो प्राइस है वो है 56.50 लाख रुपीज़ और सेमी फर्निश अगर आप लेते हैं यानी तो जो है वो आपको पड़ेगी 55 लाख रुपये 55 लाख रुपीज़ का। और अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है और आप इस साइट को विज़िट करना चाहते हैं तो भैया जो नंबर है वो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर डायरेक्टली बात करके यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और अपना फ्लैट परचेज कर सकते हैं। और भैया अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इससे कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।